मैं एक गांव में गया था, मेरे को बहुत चोट लगी। वो जब से मैं इन लोगों से थोड़ा दूर हुआ, उनने कोई दुर्गा माता का मंदिर बनाया था तो ढूंढते हुए मेरे को यहाँ तक आए थे। उन्होंने बताया कि हमें ऐसे ऐसे डिजाइन बनाना है, मैंने बिल्कुल हाँ करी। तो मैं जब वहाँ मेरे मजदूर ले को दो तीन दिन पहले गया, तो रात को गए हम करीबन 7 बजे, और वहाँ बैठे हुए लोगों से मिले और उनने मेरी जाति पूछ ली कि आप कौन सी जाति के हो। तो मैंने क्योंकि सर मैं चमार जाति से हूँ, तो बोले आपके साथ लेबर है ये। मैंने क्यों, हम सभी चमार जाति के। तो बोले यार ये तो हमने गलत कर दिया, आपको काम देखो। तो उनने मेरे साथ में अच्छा नहीं करा, फिर धोखाधड़ी हुई, फिर वो अधूरा काम में छोड़ को वहाँ से आया। फिर मेरे को सर बहुत चोट लगी। मैंने उसके बाद में दूसरा काम करा था मांगलिया में साई मंदिर का, वहाँ से मेरा पैसा नहीं मिला। उस दिन से मैंने कसम खा ली थी कि आज के बाद मैं मंदिरों का काम बिल्कुल नहीं करूँगा। जब लोगों के या मेरे रिश्तेदारों के बीच में गया तो उनको बोला कि मैंने ये पूजा पाठ बंद कर दी, तो उन लोगों का दबाव भी आया मेरे ऊपर बहुत कि आप भगवान को नहीं मानते हो। तो मैंने कहा मानना नहीं मानने से क्या फ़र्क पड़ता भाई, मैं 50 साल पहले मर जाऊँ, आप 200 साल जीव लेना। अगर आप साल में 1 लाख रुपया खर्चा तो कर ही देते हो, 1 लाख नहीं तो 50,000, 50 में तो 25 तो कर ही देते हो आप पूजा पाठ में। दिवाली, दशहरा, सत्यनारायण की कथा है, अगर आप 25,000 रुपये अगर आप बचा लेते हो तो आपका बच्चा मतलब अच्छे स्कूल में 25,000 में पढ़ सकता है और अच्छा एजुकेशन पा सकता है। दशको कहते हैं ना कि कोई ठोकर ही है या कोई घटना ही है जो इंसान को बदल देती है। हम इस वक्त है इंदौर से सटे हुए ब्राह्मण पिपलिया गांव में। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस गांव में सबसे ज़्यादा संख्या ब्राह्मणों की है। इंदौर से उज्जैन की ओर जाने वाले इस रास्ते पर वह ये बसा हुआ गांव, जहां पर बहुत कम संख्या में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं जो मुख्य रूप से चमार जाति के हैं। इनमें से ही एक व्यक्ति, एक मजदूर, एक कारीगर निकल कर आता है और एक घटना उसको बदल देती है और वो बौद्ध बन जाता है। और आज वो स्थिति है कि वो खुद औरों को काम भी दे रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, खुद की अपनी कंपनी स्थापित कर ली और अब वो बौद्ध विहार भी बना रहे हैं। बौद्ध विहार के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़मीन दान कर दी है। ये व्यक्ति जिससे ब्राह्मण कभी अत्याचार किया करते थे, जिस पर उसकी कमाई छीन लेते थे, दान के नाम पर उससे उसकी मजदूरी छीन लिया करते थे, वो अब उस घटना ने किस तरह से उसको बदल दिया, आइए जानते हैं उन्हीं से। मेरा नाम पुंजराज चौहान है और मैं यहाँ इंदौर ज़िले के विधानसभा सांवेर से गांव ब्राह्मण पिपलिया में निवास करता हूँ। हमारे पूर्वज ही इसी गाँव में रहते थे और यहाँ सबसे बड़ा धड़ा ब्राह्मणों का है, किसान हैं ये लोग और बहुत गरीब परिवार से हैं हम लोग। और यहाँ हमारा पूरा परिवार पहले सब कच्चे मकान और सही जगह भी नहीं थी, जब से बसे हुए हैं यहाँ। तो मेरे पिताजी, मैं 10 साल का था और ब्लड कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी और माँ भी 13 साल पहले शांत हो गई। मैं इंदौर गया, इंदौर में मैंने काम करा फ्लोरिंग का और वहाँ से सीख को आया। मैंने बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों के काम करे। मंदिरों में मैं जब काम करता था तो मेरा जो हिस्सा था आखिरी की बचत का, वो वहीं रख लेते थे, वो भंडारे के रूप में। ब्राह्मण लोग जो भी है वहाँ के ट्रस्ट लोग भंडारे में, तो मेरे को बहुत क्षति पहुँचती थी। मैं देते तो देता था, बाकी आफत पड़ती थी, मज़दूरों को पेमेंट नहीं होता हो पाता था। तो मैं धीरे धीरे ऐसे सब दूर देखता रहता था कि क्या होगा। ऐसे इन ब्राह्मणों से मैं पहले पूजा पाठ भी मैं करता था, बहुत पूजा पाठ करी। उसके बाद में मेरा थोड़ा सा दिमाग ऐसा लगा कि अपन जो भी काम कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं। धार तरफ एक राजगढ़ गाँव है, वहाँ उनने कोई दुर्गा माता का मंदिर बनाया था
तो ढूंढते हुए मेरे को यहाँ तक आए थे। मैं धर्मपुरी ज़्यादा बैठता था वहाँ, तो वहाँ मेरे को ढूंढते हुए आए और वहाँ से मैं उनको मिला और उनने बताया कि हमें ऐसी ऐसी डिजाइन बनाना है। मैंने बिल्कुल हाँ करी और उनको मेरी जाति नहीं बताई, उनने पूछा नहीं, मैंने बताई नहीं भाई। मैं बना ही रहा था, काम कर ही रहा था। तो मैं जब वहाँ मेरे मजदूर ले को दो तीन दिन पहले गया, तो रात को गए हम करीबन 7 बजे और वहाँ बैठे हुए लोगों से मिले और उनने मेरी जाति पूछ ली कि आप कौन सी जाति के हो। तो मैंने क्योंकि सर मैं चमार जाति से हूँ, तो बोले आपके साथ लेबर है ये। मैंने क्यों, हम सभी चमार जाति के। तो बोले यार ये तो हमने गलत कर दिया, आपको काम देखो। मैंने क्यों, सर कौन सा गलत कर दिया आपने मेरे को काम देखो, क्योंकि हमारी समाज ही ये काम करती है सिविल का, कोई ब्राह्मण तो करेगा नहीं। तो बोले आप हमारे गांव में जाति मत बताना कि कौन सी जाति से आए हो आप। तो मैंने क्यों, नहीं बताऊँगा, मेरा काम है वो करो, मेरे को तो पैसे से मतलब है, आपके गांव में क्यों बताऊँगा मैं कि मैं चमार हूँ। तो उनने मेरे साथ में अच्छा नहीं करा, फिर धोखाधड़ी हुई, फिर वो अधूरा काम में छोड़ को वहाँ से आया। फिर मेरे को सर बहुत चोट लगी। मैंने उसके बाद में दूसरा काम करा था मांगलिया में साई मंदिर का, वहाँ से मेरा पैसा नहीं मिला। उस दिन से मैंने कसम खा ली थी कि आज के बाद मैं मंदिरों का काम बिल्कुल नहीं करूँगा। हमने काम लिया 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये में काम लिया। काम पूरा होने के बाद में मंदिरों में क्या करते थे वो, मूर्ति स्थापना का काम रखते थे वो। फिर उसके बाद में वो बोलते थे कि आप भी कुछ दान करो। तो जब मैं पूजा पाठ में था तो मैं भी बोल देता था कि आपके हिसाब से जो पैसा काटना हो काट लेते थे। तो 21,000-51,000 रुपये ऐसे काट लेते थे वो, तो उससे मेरा बहुत नुकसान होता था। फिर मैंने 10 साल पहले एक समिति बनाई और मेरे परिवार को सबको सम्मिलित करा, तो हम 12 जने सम्मिलित हुए और हमने रविदास जयंती मनाई। उसमें पूरे गांव में हमने जुलूस निकाला। फिर उसके बाद में मेरे को लगा कि ये भी सही नहीं है। फिर मैंने विचार करा कि कुछ तो है कि हम बाहर निकल जाएं इससे। तो मैं जब पता लगाया तो मेरे को बाबा साहब की जन्मभूमि पर पता लगा कि वहाँ भंते जी रहते हैं। वहाँ गया तो उन लोगों ने मेरे से सही बात नहीं करी। फिर वहाँ से आया, मैं इंदौर आया और इंदौर में बीएसपी से एक दीपक अहिरवार जी हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनने बोला कि एक भंते जी हैं, उनसे आप मिल लिए हैं। मैं जब उनसे मोहन मेसराम साहब मिले तो वो चिविर में मिले थे मेरे को। मैंने उनसे बात करी तो उनने मेरा बहुत सहयोग करा, 5 साल से वो मेरा सहयोग कर रहे। और जब उनने बताया और मेरे को बुद्ध बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म दिया, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, बाकी हिंदी पढ़ लेता हूँ, तो मैंने वो बुद्ध और धम्म मैंने करीबन 2 महीने तक सलंग पढ़ा, उसको रिपीट मार मार को पढ़ा। फिर मेरे को लगा कि हम बहुत अंधविश्वास में जी रहे हैं। फिर अभी 2-3 महीने पहले हमारे आदरणीय भीमराव जी बोध मिले हमें और फिर उनने विस्तार से हमको समझाया, तो फिर बहुत ये लगा। तो मेरा प्लान तो बहुत पहले था बौद्ध विहार बनाने का। मेरे को ऐसा लगता था, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव रहा कि बाबा साहब अगर बौद्ध में भारत करना चाहते थे तो किस तरह से करना चाहते। तो मेरा एक व्यक्तिगत मानना था कि अगर भारत में 5 लाख गाँव हैं तो अगर हर गाँव में एक बौद्ध विहार बन जाए, उसमें हमारे 2 भंते निवास कर ले, तो 5 × 10 लाख भंते तो हम बाबा साहब के तैयार कर देते हैं। और उससे 1 साल में पूरा जो भी अगर होगा तो वो उनकी शिक्षा ले को बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस आधार पे मैंने ये 250 गांव है हमारे सांवर तहसील में। तो मैंने विचार करा, गगन मल्लिक साहब भी आए थे अभी पिछले साल, घर पर ही आए थे वो, उनको बुलाया था तो चिविर में ही आए थे। ने बोला कि मूर्ति में कर दूँ, आप जगह की व्यवस्था कर देना। तो मेरा दिमाग में चल रहा था तो जगह इधर सर कहीं है नहीं, तो मैंने सोचा कि यही अपन एक छोटा बना को शुरुआत तो करें, अगर ऐसा होगा तो फिर
हमारा कोई सहयोग करेगा तो और बड़ा बनाएंगे। तो फिर मैंने ऐसे फेसबुक पे लिख को डाला कि मैं बौद्ध विहार बनाना चाहता हूँ, तो हमारे भीमराव जी बौद्ध को पता लगा कि ब्राह्मण पिपलिया में बन रहा है, तो इनने मुझे मिलने बुलाया और मैं इनके घर पे गया बच्चे के साथ में। और फिर इसका काम अब चालू होगा, करेंगे और जल्दी ही हो जाएगा। हमारे भीमराव जी बौद्ध भी लगे हैं उसमें और दूसरी लोग भी। मैं एक जय भीम कोर कमेटी भी चलाता हूँ, उसमें 15 लोग अच्छे एक्टिव लोग कर रखे हैं मैंने, वो 15 लोग का भी सहयोग रहेगा और बड़ा योगदान हमारे भीमराव जी बौद्ध का रहेगा। उसके बाद समाज से भी आएगा और जब कम पड़ेगा तो 5-10 लाख रुपये मैं मेरे उसमें से भी लगा दूँगा। कोई बड़ी भारी बात नहीं है मेरे लिए, लगा दूंगा मैं। मतलब धीरे धीरे हम अंधविश्वास से, बच्चों को बताया मैंने एक दिन के यार हम जो पूजा पाठ करते हैं ये तो गलत ही है, तो फिर इनको फिर वो किताब मैंने पढ़ को भी बताई, समझाया भी सही कि हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वो गलत ही है। फिर हमारे घर वाले भी पूरे आज करीबन 6-7 साल से कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं, बच्चों की शादी करी तो बुद्धिस्ट करी। मेरे एक बेटा है और 2 बेटी हैं, तो बेटे को तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई, उसके बाद में मैंने सोचा कि अब पढ़ाई छोड़ दे और अपन कोई बिजनेस करेंगे, तो उसको तो एक कंपनी छोटी डलवा दी है। और एक मेरी छोटी वाली बिटिया है, वो अभी 12वीं पास कर को अभी 1st ईयर कॉलेज में जाएगी, और एक और बिटिया है तो वो कम पढ़ी लिखी, उसकी शादी भी कर दी, तो उसको मैंने ये टेलर के काम में मतलब डिजाइनर बना दिया, उसको ब्लाउज अच्छे से सिलना है और डिजाइन का काम करती है, बढ़िया कर लेती है। पहले से मैं अब बहुत खुश हूँ, पहले जो धार्मिक काम में था तो बहुत दुखी भी था मैं, मतलब सर बहुत बड़े बड़े गुरु से परिचित भी था, तो वो लोग भी मेरे घर आते थे, मेरे साथ में आ जाते थे, वो तो देख को बोलते थे कि आप ऐसी पूजा करा लो, ऐसी पूजा करा लो, तो मैं पूजा भी कराता था तो उसमें भी दुखी रहता था, धन जाता था तो 2-3 दिन नुकसान भी होता था, रिश्तेदार को बुलाना, उनको भोजन कराना, तो कुछ अच्छा नहीं लगता था। और जब से मैंने बाबा साहब का लिखा बोध और धम पढ़ा है तो मेरा परिवार भी बहुत खुश है। लोगों के या मेरे रिश्तेदारों के बीच में गया तो उनको बोला कि मैंने ये पूजा पाठ बंद कर दी, तो उन लोगों का दबाव भी आया मेरे ऊपर बहुत कि आप भगवान को नहीं मानते हो। तो मैंने कहा मानना नहीं मानने से क्या फ़र्क पड़ता भाई, मैं 50 साल पहले मर जाऊँ आप 200 साल जीव लेना, आप पूजा करते हो देख लेना उसका परिणाम कौन ज़्यादा जीता है। और फिर इस तरह के समझाने के बाद में फिर लोग मेरे से फिर दूर हो गए कि यार अब ये मानेगा नहीं, तो अब उससे वो लोग मेरे से प्रेरित भी होते हैं कि यार ये बढ़िया काम कर रही है और पूजा पाठ में पैसे भी इसके बचते ही होंगे, वो मस्त घूमता भी है। और उसके बाद में मेरे को एक किताब और मिली थी, दलित बिजनेस की ओर कैसे बढ़े, तो वो किताब मैंने पढ़ी। वो किताब में दलितों के बारे में बताया उन साहब ने, मैं नाम नहीं जानता उनका, किताब पढ़ ली मैंने उसको, तो मैंने सोचा कि हम भी क्यों नहीं बिजनेस करें, आदमी नौकरी तो करेगा तो नौकर ही रहेगा, तो मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है अच्छा बढ़िया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया उसको मैंने, तो मैंने जैसे ही काम बंद करा तो मैंने एक प्लान बनाया कि हम हार्डवेयर की दुकान डालेंगे, सैनिटरी हार्डवेयर की, तो धर्मपुरी में मैंने सबसे बड़ी दुकान डाली और 5 साल दुकान चली, तो वहाँ के जो करीबन 5 दुकान वाले थे हार्डवेयर की, वो 15-15, 20-20 साल से बिजनेस कर रहे थे, उनका बिजनेस ठप कर दिया मैंने, रोज़ एक आयसर माल में बेच देता था। फिर मेरे को बच्चे को और हम दोनों बेट को साथ में ही बात करते हैं परिवार वाले, मैंने कहा यार इससे मज़े नहीं आएंगे, हम कोई कंपनी डालें, तो हमने पिछले साल से कंपनी डाल दी। तो उसका हमारा पाइप बनाने का प्लान था, तो एक बनिया जैन बनिया मिला हमको, उसने बताया कि आप ज़्यादा नीचे उतर जाओगे उसमें मार्केटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आप पहले कच्चा माल तैयार करके आप कर सकते हो,
तो हमने उसकी बात मानी और हमने फिर कच्चा माल तैयार करने की विधि सीखी। तो हम दोनों बाप बेटे ही मशीन चलाते और परिवार का सहयोग रहता है और करते हैं। अच्छा बढ़िया चल रहा काम। कच्चा माल हम देवास से या पीथमपुर से ये जो तेल के डिब्बे आते हैं ये खरीदते हैं। पॉलीथीन हो गई, कड़क प्लास्टिक हो गया, उसमें कड़क प्लास्टिक में एचडी हो जाता है, मोल्डिंग का आइटम्स, ये सब रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसकी क्रशिंग होती है, क्रशिंग मशीन ये रही, और उसका क्रश होने के बाद थोड़ा वॉश होता है, वॉश होने के बाद सुखाया जाता है, सुखाने के बाद फिर मिक्सर में गर्म करके जो भी मॉइस्चर होता है वो ख़त्म करते हैं। मॉइस्चर होने के बाद फिर मशीन में डालते हैं और मशीन से मेल्ट हो के तार दाने निकलते हैं जो कि दाना कटर से कटता है। ये फिर से रिसाइकल हो, हम रिसाइकल कर देते हैं या दाना बना देते हैं। दाना बनाने के बाद फिर जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे डिब्बे बनाना, पॉलीथिन्स बनाना, उसका बड़ी बड़ी तिरपाल बनती है, उन कंपनियों को फिर सेल आउट हो जाता है। और आगे मतलब और दो चार साल बाद हम मतलब 10,000 फुट जगह देख रखी है मैंने, वो ले को एक बड़ी कंपनी डाल देंगे हम। और हम भी इतने खुश हैं कि हमें ऐसा लगता नहीं कि हम अभी छोटी कंपनी चला रहे हैं, अब भविष्य में हम बड़ी भी डालेंगे तो हमारे दलित भाई जो भी बहुजन समाज के लोगों को उनको अच्छा रोज़गार देंगे और रोज़गार उनको ये शिक्षा भी देंगे कि आप भी पढ़ लिख लो ज़्यादा थोड़े बहुत, हम मदद कराएंगे कि आपको कैसे छोटी कंपनी डाल को बड़ी डालना है, तो उनको ये शिक्षा भी देंगे हम। मैं लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप साल में 1,00,000 रुपया खर्चा तो कर ही देते हो, 1,00,000 नहीं तो 50,000, 50 नहीं तो 25 तो कर ही देते हो आप पूजा पाठ में, दिवाली दशहरा सत्यनारायण की कथा है, अगर आप 25,000 रुपया अगर आप बचा लेते हो तो आपका बच्चा मतलब अच्छे स्कूल में 25,000 में पढ़ सकता है और अच्छा एजुकेशन पा सकता है। तो मैं समाज से निवेदन करूँगा कि ये चीज़ छोड़ को अपने बच्चों को पढ़े लिखाई में अच्छा ध्यान दे और अच्छी नौकरी करे, अच्छा बिजनेस करे। सबसे पहले तो बिजनेस पे ध्यान दे क्योंकि बिजनेस में हमारा दलित समाज बहुत पीछे है। चौहान जी की ये कहानी न सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि ये भी सिखाती है कि हम अगर खुद को परिवर्तित करने की ठान ले तो कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो हमें रोक सके। सिर्फ एक कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, खुद से किए गए वादे की ज़रूरत होती है और आगे बढ़ने की ललक की ज़रूरत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।